तो गाइस मैं रिव्यू करूंगा। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? नहीं नहीं गाइस, जब से इस मूवी का ट्रेलर देखा है मुझ में हिम्मत नहीं कि इस मूवी को मैं रिव्यू करूं सच्ची में। लेकिन इस मूवी का मैं फनी रिव्यू करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी में क्या होता है। जो मूवी को रिव्यू देते हैं ना उनको क्रिटिक्स कहते हैं, और कभी कभी ऐसी बात होती है कि अगर उनको माल दिया जाए तो मूवी को अच्छा कहेंगे, अगर कुछ और चीज हो तो अगर मूवी अच्छी भी है तो वो उसे अच्छे स्टार्स नहीं देंगे, अच्छी नहीं कहेंगे। तो मूवी में यह होता है कि जो KRK है वो कलंक मूवी को अच्छा कह देता है। सिर्फ वो ही नहीं, काफी ऐसी मूवीज है जिसको KRK अच्छे रिव्यूज देता है, अच्छे स्टार्स देता है। तो इसी चीज की वजह से एक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गोली मारता है, और ये कैमरा में शूट भी हुआ है, देखिए। मगर क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या नहीं बिगाड़ा था, लोगों को गलत रिव्यू दिया था। फिर इसके बाद एक दूसरा क्रिटिक्स है जिसका नाम है KN। वो 30 मार खान की मूवी देखकर ये चीजें कहता है। वाओ, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट, क्या फिल्म है, ये तो फ्रेंच सिनेमा है, इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। ऑस्कर क्या होता है? क्यों मैं ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपया दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग की वजह से। इसके बाद ये क्या माल है यार, इसने भी किन किन मूवीज को क्या क्या स्टार्स दिए, कितना अच्छा कहा, ये तो KRK भी बता चुका है। फिर एक और एक प्राणी है, ओम नारायण नारायण कहने वाला, उसने भी शायद कुछ रिव्यूज अच्छे नहीं दिए। तो ऐसो के साथ क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ मजाक किया। आप सुनोगे नहीं वरना मैं अपना ओपिनियन दे देता। आप अपना ओपिनियन दे दीजिए, क्योंकि चुप मूवी को अगर आपने देखा तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताना। अगर आपको ये फनी रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि सब कुछ फ्री है।